हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल दृश्याज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पर जो हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो किस टाइप का हमें वहाँ पे ऑनलाइन खुलेगा, या क्या क्या चीज़ें हमें करनी है या किस तरीके से करना है। जो आप अगर जो पहले गए होंगे एग्ज़ाम देने, उनको तो थोड़ा आइडिया भी होगा, और जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो इनको थोड़ा बहुत याद नहीं है पिछली बार एग्ज़ाम देने गए थे तो वो भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमने सीटेट की साइट ओपन करके रखी है यहाँ पे, ये ठीक, ये सीटेट की साइट का लिंक है, आपको तो पता ही होगा वैसे भी। चलिए नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे यहाँ पे आपको देखिए मॉक टेस्ट का लिंक दिखेगा। देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है, बट आपको यहाँ पे नहीं ओपन करना है, ये जो ब्लू एरिया में आ रहा है यूजफुल लिंक, यहाँ पे ओपन करना है मॉक टेस्ट पे, ठीक है। ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए जिस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस खुलकर आ रहा है, वहां पे भी कुछ इसी तरीके का इंटरफेस होगा। जैसे यहाँ पर है आपकी पिक होगी, आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा, आपका सिस्टम नेम होगा या नंबर होगा, इस तरीके से वहां पर एग्जाम में जाके इसी तरीके का इंटरफेस रहेगा, ठीक है। वहां पे आपको साइन इन करना होगा, ठीक है। फिर आप साइन इन, और हाँ, कुछ लोगों का ये था कि मैम वहाँ पे पासवर्ड क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वहाँ पे वो आपको बता दिया जाएगा। और अगर आपको वहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो इन्विजिलेटर्स जो होते हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइन इन का जैसे ही क्लिक करेंगे, रुकिए एक मिनट, तो आपको इस तरीके से कुछ विंडो ओपन होकर आएगी। तो देखिए इस तरीके की कुछ विंडो आपको ओपन होकर आएगी, आपको दिख रही है या नहीं अभी एक मिनट रुक। तो देखिए अब आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, जब आप साइन इन कर लेंगे तो इस तरीके से आपको सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे लिखे हुए। आप चाहे तो वहां पे इनको हिंदी में भी क्लिक करके देख सकते हैं। ये सारी जो प्रक्रिया होगी आपका एग्जाम शुरू होने से पहले आधे घंटे या 15 मिनट के पहले ही ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, आपको 15 मिनट का टाइम मिल जाएगा इसके बाद भी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आप चाहे तो इंग्लिश में क्लिक कर लीजिए और चाहे तो हिंदी में, आप वहाँ पे कैसे भी देख सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर की लैंग्वेज में, जैसे कि आपके क्वेश्चंस ओपन होकर आएंगे, ठीक है। इसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो कि हम आपको कई बार बता भी चुके हैं किस तरीके से, और आगे अभी आप देख लेंगे। फिर आप नेक्स्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको आएगा कैसे देखना है सारी चीजें, हिंदी में देखनी है या इंग्लिश में देखनी है, यहाँ पे भी आता है ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट लैंग्वेज आप जैसे चूज करेंगे, जैसे किसी को इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में चूज कर सकते हैं, जिनको हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में चूज कर सकते हैं। बट हाँ, जब आप अंदर एग्जाम देने, अंदर एग्जाम में जब एंटर कर जाएंगे, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो वहीं पे आपको एक ऑप्शन आएगा, अगर कोई क्वेश्चन आपको हिंदी से इंग्लिश में देखना है, इंग्लिश से हिंदी में देखना है, वहां पे भी चेंज हो जाएगा। बट हाँ, जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा, हिंदी लैंग्वेज का, वो हिंदी में ही होगा और इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश में ही होगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप टिक कर देंगे, इसके बाद आपने सारे निर्देश पढ़ लिए हैं आप, मतलब जो भी चीज है, अब यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगन पे क्लिक कर देंगे वहां पे एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, इसी तरीके से वहां एग्जाम में भी होगा। अब देखिए सारे क्वेश्चंस ओपन होकर आके देखिए, तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा हमारा पेपर होगा वहां पे जब ओपन होगा। तो देखिए पहला सेक्शन जो होगा, यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, जो हमारा असेसमेंट टेस्ट का, सॉरी वहां पे तो फाइनल टेस्ट होगा, ये यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं हम मॉक टेस्ट में। तो इसी तरीके से होगा, पहला सेक्शन होगा चाइल्ड डेवलपमेंट का, दूसरा होगा मैथमेटिक्स का और इन्वायरमेंट स्टडीज का, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी लेवल पे ये तीनों कॉमन होते हैं जो क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए इसके बाद लैंग्वेज का पेपर है, जिनके यहाँ पे जिन्होंने इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज चूज किया है वो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए तो वो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज क्लिक करेंगे। जिन्होंने लैंग्वेज हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज चूज किया है एग्जाम में फॉर्म फिल करते समय, वो यहाँ पे हिंदी को
क्लिक करके तब एग्जाम, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मेरा हिंदी का एग्जाम खुलकर आने लगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, तो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी पे आपको क्लिक करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले इंग्लिश करने लग जाए या हिंदी करने लग जाए। अब देखिए इसी तरीके से एक सेक्शन होगा, ये थर्ड जो ऊपर है देखिए जहां मैं क्लिक कर रही हूँ, ये हैंड बना हुआ आ रहा है, यहीं पे ध्यान रखिए। अब यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज की बात आ गई। अब जैसे जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज किया था तो उनका ऑटोमेटिकली सेकंड लैंग्वेज क्या होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है। और जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश यूज किया था, चूज किया था सॉरी, उनका सेकंड लैंग्वेज ऑटोमेटिकली हिंदी ही होगा। बट आपको वहां पे देखिए इसमें टिक करने का ऑप्शन आ रहा है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी शायद देखने के लिए मिले, तो वहां पे इस चीज का ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो आपने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज चूज की है और आप सेकंड करके आ जाएं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही जो आपका जूनियर लेवल का एग्जाम होता है, जो ये लैंग्वेज पेपर की जगह जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बने जा रहे हैं जूनियर में, जैसे मैथ और साइंस के 50 क्वेश्चन आ जाएंगे इन लैंग्वेजेस की जगह, ठीक है, जैसे SST के हैं, तो आपके वो 50 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी 30 30 60 क्वेश्चंस होंगे, सॉरी 50 मैंने बोल दिया गलती से, क्योंकि हर एक सेक्शन में 30 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो सॉरी उसके लिए, तो 60 60 क्वेश्चन होंगे आपके मेन सब्जेक्ट के, बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वगैरह ये सब आपका उसमें भी कॉमन होगा सभी के लिए, तो मेन सब्जेक्ट का आपका अलग होगा, तो उसमें आपको उतनी टेंशन की बात नहीं है। शायद ऐसा आएगा कि आप मैथ साइंस के हैं तो मैथ साइंस का ऑप्शन आ जाए क्लिक करने के लिए, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा बता देते हैं, और वहां पे कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछ जरूर लीजिएगा। देखिए अब ये बात हो गई हमारी, आपको समझ आ गया होगा, फिर भी अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए साथ के साथ। अब और भी चीजें समझ लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट का ये हमारा सेक्शन खुल के आ गया है। आपको वैसे अगर नहीं पता है, वैसे पता ही होगा, ये जो हमारा एग्जाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है और 30 30 30 क्वेश्चंस आते हैं हर एक सेक्शन में, और सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के ध्यान से, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे ये चीज समझ लीजिए, जैसे अभी ये क्वेश्चन ओपन होकर आया है तो यहीं पे देखिए इसको आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, अगर आपको कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कभी कभी हमें हिंदी इंग्लिश का कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं और उसी टाइम हिंदी में भी देखिए, आपने वहां पे चूज किया इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई हमने हिंदी लैंग्वेज चूज किया तो हमें ऐसा ना हो कि सारे क्वेश्चन हमें हिंदी में अटेम्प्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है, बस हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की जो बात है वो आप ध्यान, उसमें तो आपको पता ही है वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए और चीजें समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मैं मान लीजिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर पे ये टिक कर रही हूँ, देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा नहीं रही हूँ, बस ऐसे ही टिक करने के लिए आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको मान लीजिए मैंने सोचा कि इसका आंसर ये है पढ़ के, ठीक है, अब उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ये बन के आ रहा है सेक्शन, इसमें वन फर्स्ट ग्रीन हो गया, यानी कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। ऐसे ही मान लीजिए कि जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, तो मान लीजिए मैंने मान लिया कि इसका ये आंसर है, तो ठीक है मैंने सेव कर दिया फिर से इसको, ठीक इसी तरीके से आपके ग्रीन होते चले जाएंगे, ठीक है, सारे जब आप अटेम्प्ट करते जाएंगे। अब इसके बाद एक और बात समझ लीजिए, जैसे कभी कभी होता है कि हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद हमारे माइंड में आया कि नहीं भाई इसका आंसर ये नहीं था, इसका आंसर तो ये है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके मान लीजिए कि जैसे पहले हमने क्वेश्चन का आंसर दूसरा लगाया है, ठीक है, अब मुझे यहाँ चेंज करना है, पहले मैंने इस पे टिक कर रखा था, अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए चेंज कर दिया कि योग्यता अटल है, ये मैंने इस पे मुझे लगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके चेंज कर दूंगी, बट अब यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट करना मत भूलिएगा। अगर देखिए मैंने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया और मैं फोर्थ क्वेश्चन पे यानी कि थर्ड क्वेश्चन पे चली गई, सॉरी, अब देखिए आपको फर्स्ट पे जाके दिखाती हूँ, देखिए चेंज नहीं हुआ, अब देखिए अब मैंने किया सेव एंड नेक्स्ट, अब चेंज होगा, अब देखिएगा आप, अब चेंज हुआ ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे चेंज करके, कभी सोचे कि उसमें टिक किया और आगे पहुंच जाएं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये बात एक हो गई ध्यान की। और आप ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे आई लिखा रहा है, आई मतलब इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे देखिए आपको किस तरीके से आएगा,
आंसर्ड क्वेश्चंस का नंबर आ गया कि कितने आपने आंसर कर दिए। नॉट आंसर के लिए रेड बना हुआ आएगा, नॉट विजिटेड के लिए ग्रे सा आएगा, मार्क्ड फॉर रिव्यू के लिए जीरो टाइप का आएगा। ठीक है, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर इवोल्यूशन। इसका क्या मतलब है? एक मिनट। अच्छा, इसका मीनिंग ये है, आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू, अगर आपने क्वेश्चन का आंसर टिक कर दिया है, सेव कर दिया है, बट आपने रिव्यू का ऑप्शन लगा रखा है, तो वो क्वेश्चन मतलब आपने आंसर करके आपका सबमिट हो गया, तो आपका क्या होगा, वो आपका चेक होगा, इवैल्यूएशन के लिए होगा, चेक होगा, क्योंकि आपने आंसर लगा के आए हैं। आप रिव्यू के लिए छोड़ देंगे। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन, मान लीजिए इसमें मुझे कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन के आंसर में मैं चाहती हूँ कि मैं इसको थोड़ी देर बाद इसको अटेम्प्ट करूँ, तो आप यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पे कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का ये ब्लू वाला, देखिए फर्स्ट में साइन बना हुआ आ गया, तो आप इससे आपको क्या रहेगा कि इस क्वेश्चन में मेरे को कंफ्यूजन था, आप बाद में जाके उस पर देख सकते हैं। और एक बात यह था कि कुछ लोग को ये कंफ्यूजन था कि एक सेक्शन पे एक बार, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी सेक्शन पे। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको वहां ओपन होके आएगा। अब एक बात समझ लीजिए कि वहां पे जो एग्जाम आए, तो थोड़ा सा मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको शेयर कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप खुद समझदार हैं। जैसे ये जो एग्जाम है, जिस पैटर्न में है, जैसे मान लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर पहले है पेडागोजी का, तो आप पहले पेडागोजी का जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, फिर मैथमेटिक्स को अपना सही से टाइम दीजिएगा, देन आप इन्वायरमेंटल स्टडी हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी कैसे भी कीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे अभी क्या सोच रहे हैं कि मैथमेटिक्स को हम बाद में करेंगे। ठीक है, ये आप सुन लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए हमने मैथमेटिक्स को बाद में रख दिया करने के लिए, ठीक, और हमारे पास 15 मिनट बची हैं और हमें अभी कैलकुलेशन करनी है, तो लास्ट के जो 15 मिनट्स होते हैं, हमने ऐसा देखा, हमारा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि लास्ट के 15 मिनट्स में जो हम कैलकुलेशन वाले अगर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो वो होने में बड़ी मुश्किल सी हो जाती है। और अगर लास्ट में उसी जगह 15 क्वेश्चन अगर हिंदी के छूट गए, हमारे रह गए करने के लिए, तो उनको हम बहुत ही जल्दी आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि उनसे हम ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, और कैलकुलेशन ऑब्वियस सी बात है लास्ट के टाइम पे हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लग जाए, और ऐसा होता भी है। बाकी आप खुद समझदार हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, इस चीज़ में आपकी खुद की मर्जी होती है, आप कैसे भी करें। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ऐसे करना है। ठीक है, बस इतना है कि मैथमेटिक्स को आप बीच में सेकंड नंबर पे करेंगे तो क्या होगा, आप अच्छे से टाइम दे पाएंगे, कैलकुलेशन आपकी अच्छे से हो पाएगी, और टाइम को अपना डिवाइड कर लीजिएगा सही से कि भाई मैथ को मुझे कितना देना है, 30 मिनट देना है, 25 मिनट्स देना है। ठीक है, इस तरीके से करिएगा, और कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को पहले कीजिएगा, पेडागोजी वाले को बाद में कीजिएगा, अगर आप इस तरीके से फॉलो भी कर रहे हैं तो। ठीक है, बताना, हमारा काम है, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको शेयर करना चाहिए हमको, बाकी आपकी खुद की मर्जी होती है, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। और देखिए यहाँ पे जो टाइमर है, वो देखिए बैक में चलता रहता है टाइमिंग, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था तो हम कह देते एक मिनट मैम एक मिनट, तो वो सब कुछ नहीं होगा, जैसे आपका टाइम खत्म होगा वो सब। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको किस तरीके से करना है एग्जाम। अब देखिए एक और चीज समझ लीजिए कि कुछ लोग का ये था कि ये जो सबमिट वाला जो ऑप्शन है, इसका क्या करना है, कहीं हमें सबमिट कैसे करना है, क्या करना है। तो देखिए सबमिट का जो आपका ऑप्शन है, तो ये तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पहले तो ये अवेलेबल ही नहीं होता है, मतलब सबमिट वहाँ पे लिखा रहता है बट ये एक्टिव नहीं होता है बटन। ठीक है, यहाँ पे जब आप क्वेश्चंस कर लेते हैं सारे के सारे, तब ये ऑटो सबमिट होता है एग्जाम। बट एक चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, अभी आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे ही आपका सबमिट का जो ये ऑप्शन है, ये जब हमारा हो जाता है सारा पेपर, तो इस तरीके से आपका सब कुछ क्या आ जाता है, यहाँ पे सारा कुछ आ जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, कितने मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखे हैं, सब कुछ आप पीछे देख सकते हैं। बट ये बाद में होगा, मेरे हिसाब से जैसे मैंने पहले देखा है एग्जाम में, स्टार्टिंग में सबमिट का जो ऑप्शन है वो क्या होता है, वो नहीं एक्टिवेट होता है। कभी बाई चांस आपका गलती से सबमिट बटन पे प्रेस हो जाए, उसकी टेंशन ही नहीं, क्योंकि वो सबमिट नहीं होगा। और हाँ, आप एग्जाम में चले जाएंगे तो आपको एग्जाम मतलब पूरा हो जाएगा, तभी आने की अनुमति होगी, वहां पे पूरा टाइम आपको एग्जाम में ही रहना होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा।
ठीक है, कभी आप सोचें कि आप जल्दी जल्दी एग्जाम देके वहां से निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। और बाकी एक वीडियो हमने बना दिया है कि एग्जाम सेंटर पे आपको क्या ले जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, तो वो सब चीजें आप और वहां पे जाके डिटेल्स में देख सकते हैं। तो आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको आशा करते हैं इस वीडियो में सारी ही चीजें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपना एग्जाम सही से देकर आइए, ठीक है। और अगर आपको हमारे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो हमारे वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और अपना एग्जाम क्लियर करके आइए, ठीक है। इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।